बड़ी अच्छी लगी फिल्म है, मुझे बड़ा मजा आया, लगा ही नहीं कि 3.5 घंटे की फिल्म है, ऐसी निकल गई है। सो रणबीर एंड रश्मि का पहली बार साथ में है, क्या कुछ कहना चाहिए? उनकी लव स्टोरी पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगी बिकॉज वो स्टार्ट ही बहुत टॉक्सिसिटी से हुई थी, बट लाइक इट फेल्ट इट वाज अ साउथ इंडियन फिल्म, पर मुझे बड़ी पसंद आई बिकॉज इट हैड बॉलीवुड एक्टर्स, बहुत ही बढ़िया कास्टिंग थी, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग थी यार, एंड द स्क्रीन प्ले वॉज सो फास्ट कि आपको लगता ही नहीं कि 3.5 घंटे की फिल्म है। बॉबी देओल के बारे में क्या कहेंगे? बॉबी देओल हैड अ वेरी स्मॉल स्क्रीन टाइम, लेकिन होता ना कि भाई आगे एकदम बम फोड़ दिया, जो कि जनरली फोड़ा एंड फिल्म में भी, इट वॉज लाइक दैट, मुझे बहुत अच्छा। कितने स्टार? आई विल गिव इट 3.5 स्टार्स। सर कैसी लगी एनिमल? पिक्चर बहुत बढ़िया थी, ज़बरदस्त थी, रणबीर कपूर छा गया है, लिटरली उनकी वन ऑफ द बेस्ट मूवी और वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग हमने देखी है इस मूवी में। रश्मिका के साथ उनकी केमिस्ट्री के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? केमिस्ट्री उनकी रश्मिका के साथ बहुत अच्छी है, रश्मिका क्यूट भी लग रही है, लेकिन मेरे को रश्मिका से ज़्यादा अच्छी तृप्ति लगी जिन्होंने कला मूवी में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता था। बॉबी देओल के बारे में? बॉबी देओल मेरे ख्याल से थोड़ा हाइप बना दिया गया था, लेकिन उनका रोल इतना नहीं है, स्क्रीन टाइम उनको और मिलना चाहिए था मेरे ख्याल से, बाकी बहुत अच्छी मूवी है। कितने स्टार्स हैं? 4.5। सर कैसी लगी एनिमल? एनिमल मेरे को बढ़िया लगी, क्योंकि जिस लेवल पे इस पे बाप बेटे का प्यार दिखाया गया, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादातर ऐसा होता है कि मतलब जो बेटा होता है तो वो अपने फादर या मदर को, जिसको भी बोल रहे हैं, उसे अपना मतलब अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो इसमें बॉलीवुड ने इस चीज़ को मतलब दिखाया इतने बड़े पर्दे पर, मेरे को अच्छा लगा। तो रश्मिका रणबीर की केमिस्ट्री एंड बॉबी देओल का? रश्मिका और रणबीर की केमिस्ट्री भी मेरे को जमी, मतलब बढ़िया लगी, और बॉबी देओल मतलब जिस हिसाब से उनके फेस पे एटीट्यूड, इतना चुप रहकर भी वो इतना खतरनाक मतलब लग रहे थे, और इतनी सही मतलब जो एक मैसेज गया है, बढ़िया है। कितने स्टार्स देंगे? 4 out of 5। कैसी लगी एनिमल? एनिमल मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, रणबीर कपूर द्वारा बहुत अच्छी पेशकश, संदीप रेड्डी बांगा को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इतनी अच्छी मूवी बनाने के लिए। सेम बहादुर से मुकाबला है, क्या लगता है? मुकाबला नहीं है, ये वन साइडेड मैच है, अगर इंडिया वर्सेस नीदरलैंड का मैच हो तो इंडिया जीतता है ऑब्वियसली, तो इसमें भी ऐसा सही कुछ है, वन साइडेड मैच है ये, मुकाबला कुछ नहीं है। रणबीर रश्मि का पहली बार आए, क्या कुछ कहेंगे उनके केमिस्ट्री के बारे में? बहुत बढ़िया, रणबीर बहुत अच्छे एक्टर हैं, जब दिल्ली आए थे तो वो मेरे से मिले थे, रश्मिका भी मेरे से मिली थी जब अपनी गुड बाय मूवी के लिए आई थी, और रणबीर जब आए थे तू झूठी मैं मकार के लिए तो मेरे से मिले थे, काफ़ी अच्छे दोनों एक्टर हैं, काफ़ी मंझे हुए एक्टर हैं, बहुत इतिहास उन्होंने रचे हैं अपनी अपनी मूवीज़ में। बॉबी देओल के काम? बॉबी देओल का काम मज़ा नहीं आया, बहुत कम रोल है, 15-20 मिनट का रोल है, उससे ज़्यादा रोल तो तृप्ति डिमरी का लगा। कितने स्टार? 4.5 स्टार। फिल्म बहुत ही अच्छी है, 3.5 घंटे की फिल्म है, लेकिन बिल्कुल आपको फिल्म में ऐसा नहीं लगेगा कि 3.5 घंटे की फिल्म है, जिस तरीके से टाइम काटा है इन्होंने, मतलब एकदम मज़ेदार एक्शन सीन में आपको ऐसा नहीं लग रहा है एक्शन चल रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे होगे आप बीच बीच में, जो कॉमेडी टाइमिंग है वो भी बहुत सॉलिड है। वहीं बात की जाए रश्मिका एंड रणबीर की केमिस्ट्री की, भाई वो बहुत अच्छी है, मेनली मैसेज ये दे रही है कि एक फादर एंड सन के बीच का जो रिलेशन है, जो बॉन्ड है वो कैसा होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि टॉक्सिसिटी जो होती है एक हद तक किस तरह के से क्रेजीनेस आ जाती है इफ़ यू डिडंट गेट द लव बैक। सो बहुत अच्छा है और लोगों को पसंद आने वाली है फिल्म, मैं दर्शकों को अपील करूंगी कि आए ये फिल्म देखने। और रणबीर एंड रश्मि का, बॉबी देओल, तीनों का काम? रणबीर का काम बहुत अच्छा है, उनके कई रूप देखने को मिले हैं, एक तरफ कैसे हस्बैंड लॉयल हो सकता है, सन लॉयल हो सकता है, वहीं खूंखार भी हो सकता है, फैमिली पे कुछ आ जाए, तो बहुत बहुत वर्सेटैलिटी दिखाई है उन्होंने अपनी, कहीं ना कहीं मेरे को बीच में उनकी जो फिल्म है आई एम मिसिंग द नेम, हंस उसकी याद आ रही थी संजू की, तो वो भी मतलब बीच बीच में याद आया, साथ में रश्मिका भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है उन्होंने, उनकी केमिस्ट्री रणबीर के साथ बहुत अच्छी लग रही है। बॉबी देओल की बात की जाए तो इस फिल्म में वो बोल नहीं सकते, लेकिन बहुत अच्छे उन्होंने अपनी जो अदाएं हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, अपना जो टैलेंट दिखाया वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, दर्शकों को पसंद आएगी एक्शन। कितने स्टार? 5 में से 4 स्टार्स। जी मैम कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म है एनिमल, अगर आप वॉयलेंस प्रेमी हैं तो ये फिल्म देखने आ सकते हैं, क्योंकि रणबीर कपूर का एक अलग पार्ट आपको देखने को मिलेगा जो अब तक उनकी कोई भी फिल्म में जो पास्ट में वो कर चुके हैं अब तक नज़र नहीं आया है। रश्मिका रणबीर की केमिस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे? दोनों पहली बार दोनों साथ में आए हैं, ऐसा लग रहा है साउथ और नॉर्थ का तड़का है, लेकिन वो फ़र्क नज़र नहीं आता स्क्रीन पे कि एक साउथ की एक्ट्रेस हैं जो बॉलीवुड मूवी कर रही हैं या बॉलीवुड एक्टर के साथ तालमेल बैठा रही हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि दोनों स्क्रीन पे बिल्कुल बेस्ट लग रहे हैं, और आने वाले समय में हो सकता है बेस्ट जोड़ी ऑफ द अवार्ड इस फिल्म के थ्रू दोनों को मिल सकता है। वॉट अबाउट बॉबी देओल?
बॉबी देओल साइलेंट किलर के तौर पे काम कर रहे हैं, वो म्यूट थे, बिना डायलॉग के ही उन्होंने स्क्रीन पे पकड़ बनाई रखी है और शायद ये उनका कुछ मिनटों का कह सकते हैं, आधे घंटे का जो उनका कैरेक्टर है जो उन्हें स्क्रीन पे टाइम मिला है वो बहुत बेस्ट है। कितने स्टार? 3।